मुरादाबाद जिले के बुद्धि विहार के रहने वाले एक युवा आदित्य गौड़ ने 7 दिन में 6512 मीटर की चढ़ाई की। माउंट भागीरथी दो भागीरथी पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 6512 मीटर है। ये गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री क्षेत्र पर है। मुरादाबाद के आदित्य गौड़ ने 7 दिन में इस चोटी को फतह कर तिरंगा फहराया है। आपको बता दें कि इसमें से मात्र 2 सदस्य ही सफलतापूर्वक चोटी फतह कर पाए हैं, तो वहीं तिरंगा लहराया। जैसे जैसे माउंट के पास टीम के सदस्य आते गए, ठंड से कपकपा देने वाली बर्फीली हवाओं के थपेड़े उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे चट्टानी इरादों के साथ निरंतर आगे बढ़ते गए। माउंट भागीरथी 6512 मीटर की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही और छात्र आदित्य गौड़ ने बताया कि माइनस में तापमान पर चोटी पर पहुंचना एक अनोखा रोमांच रहा। वहां उन्होंने अपनी टीम के साथ 10 मिनट की मौज मस्ती की, चोटी पर तिरंगा लहराया और बहुत ही अच्छा लगा। इस चोटी पर पहुंचने में उन्हें 7 दिन लगे। उनका कहना है कि प्रेरणा उन्हें अपने पिताजी से मिली है। उन्होंने कहा कि ये मेरा एक शौक है। मैं भागीरथी सेकंड पर चढ़ के आया हूं, जिसकी ऊंचाई है 6512 मीटर। इससे पहले मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स दिरांग अरुणाचल प्रदेश से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था और हाल ही में मेरी रुचि आई थी माउंटेनियरिंग में। क्या लक्ष्य है आगे का? अभी मेरा लक्ष्य यही है कि अपने भारत में जो जो चोटियां हैं उन पे फतेह करनी है नेपाल जाने से पहले। जब मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाएगा और अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं नेपाल जाने की सोचूंगा। परिवार में कौन कौन है, कैसा सहयोग? परिवार में मेरी छोटी बहन है और माता पिता है। प्रेरणा स्रोत मेरे पापा ही है, क्योंकि अभी वो रेलवे में है, उससे पहले एयरफोर्स में थे, तो ये एडवेंचर एक्टिविटीज और इन तरह की चीजें करने का मन मेरा उनको देख के ही आता है। आपने ये सारी प्रेरणा किससे मिली आपको, अपने पिताजी से या पिताजी से? पहला चोटी पे जो आप चढ़ते हैं तो उसमें कितना समय आपको लगता है ऊपर पहुंचने में, कितना ये चीजों का ज्यादा ध्यान रखते हैं आप? हाँ, तो चोटी पे अलग अलग चोटियों का अलग अलग समय होता है। पूरा ये कार्यक्रम 20 से 25 दिन का हो सकता है और मौसम इसमें बहुत बड़ा खेल दिखाता है। तो हम जो हमारा ये पूरा एक्सपीडिशन था उसको हमने 4 कैंप्स में डिवाइड किया था। तो पहला पड़ाव हमारा गंगोत्री से शुरू हुआ था, नंदनवन बेस कैंप, फिर हम एडवांस बेस कैंप गए, फिर हम कैंप 1 में कुछ दिन रहे, फिर हमने लास्ट समिट कैंप लगाया। उसके बाद जो हमारा लास्ट पड़ाव होता है वो लगभग 13-14 घंटे का था, जिसमें हम रात को 2-3 बजे निकले थे और सुबह 10-11 बजे हम पहुंचे थे चोटी पर, और फिर वापस आने में भी लगभग हमें शाम के 4 बज गए थे। तो उसी तरह हर पड़ाव में हम नीचे आते गए और फिर वापस गंगोत्री आके वापस आ गए। हाँ, अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद ही कोई मिलती जुलती कोई पीक देखूंगा, फिर उसके लिए तैयारी शुरू करूंगा। अभी करियर के रूप में तो नहीं लेना चाहता मैं ऐसे, धीरे धीरे मैं इस साइड में आ जाऊंगा, अभी तो शौक के रूप में ही है बस। आपको बता दें कि पर्वतारोही आदित्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स तिगार अरुणाचल प्रदेश से 23 मई से 19 जून तक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया हुआ है। आदित्य एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं। उनके पिता मुकेश गौड़ भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। पर्वतारोही के अलावा आदित्य लेखन, संगीत और बाइक राइडिंग में भी अच्छी समझ रखते हैं।